शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दिखाई दे रही है। शहर के कोरोना पेशेंट को ये इंजेक्शन एक तो नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो ज्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए, इसी मांग को लेकर कांग्रेस पक्ष की ओर से सोमवार को शहर अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरे ने जिलाधिकारी से भेंट लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने कहा कि इंजेक्शन की आयात की गई है, कुछ ही घंटों में वे नागपुर पहुंच जाएंगे। नहीं, शहर में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन का शॉर्टेज है और ये किल्लत कब तक ख़त्म होगी, इस बारे में जिलाधिकारी से अभी बातचीत हुई, क्योंकि काफ़ी पेशेंट अस्पतालों में तड़प रहे हैं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बिना। तो मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब ने बताया मुझे कि जल्द से व्यवस्था हो रही है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जो प्राइवेट अस्पताल वाले हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट खुद का ओपन करने की भी परमिशन दे रहे हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी अभी आने में है, गाड़ी अमरावती तक ऐसी मालूम मिली है। और यह सभी नागपुर शहर की जो परिस्थिति है इसके बारे में चर्चा करने कलेक्टर साहब के पास है, तो मांग किया है कि जल्द से जल्द मरीजों का इलाज हो, मरीजों को इंजेक्शन ऑक्सीजन मिले, यह भी मांग मैंने कलेक्टर से किया है।